आईटी अवार्ड में आज तक ने फिर से कामयाबी का परचम लहराया है। आज तक 18वीं बार बना सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल। सिर्फ आज तक ही नहीं, टीवी टुडे ग्रुप के इंडिया टुडे को भी बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड मिला है। कुल मिलाकर टीवी टुडे ग्रुप ने 5 खिताबों पर कब्जा जमाया। आज तक एक बार फिर फहराया आज तक का परचम, एक बार फिर मची आज तक की धूप, एक बार फिर आईटी अवार्ड में आज तक को सर्वश्रेष्ठ चैनल घोषित किया गया। देश के प्रतिष्ठित इंडियन टेलीविजन अवार्ड में आज तक को 18वीं बार मिला सर्वश्रेष्ठ चैनल का अवार्ड, जिसके आगे कोई न टिका। आज तक जहां कोई पहुंच न पाया। अब तक खबरों की दुनिया में जब जब बात आई बादशाहत की, तो बस एक ही नाम गूंजा, आज तक। आज तक और आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और बाबरी मस्जिद का विवाद। नमस्कार, मैं हूं शमशाद खान और आप देख रहे हैं बाबा। बड़ी खबरों का सबसे तेज विश्लेषण करने वाले शो खबरदार में आपका स्वागत है। सिर्फ आज तक ही नहीं, टीवी टुडे ग्रुप के अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे ने भी आईटी अवार्ड में धूम मचाई। लगातार तीसरे साल आईटीए ने इंडिया टुडे टेलीविजन को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी चैनल के अवार्ड से सम्मानित किया। राहुल कंवल एंड सुप्रिया प्रसाद। I'm of course very delighted that we've won these best channel awards for both our channels. Aaj Tak has of course been winning it for the last 18 years and India Today TV has won it 3 times running. It's only been in existence for 4 years. It shows that we believe in a gold standard of journalism, which is that we have no agendas, we don't compromise our integrity and we believe in pursuing the truth. And this is a recognition of that. And it's the team of India Today, the whole group, which believes in these things, which has led to this kind of quality journalism. So I congratulate the team, and I congratulate all our viewers, thank all the viewers who have always supported us all these years. आज तक पिछले 19 सालों से नंबर वन बना हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस साल चुनाव के मौके पे खास बात ये रही कि जब टेलीविजन इंडस्ट्री में कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो सालों भर नंबर वन रहा हो, आज तक पिछले 70 हफ्ते से लगातार नंबर वन बना हुआ है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है और मुझे लगता है आईटी अवार्ड उसी पर मोहर लगा रहा है। आज तक अपनी निष्पक्ष खबरों के लिए जाना जाता है और इसी तरह से वो खबर दिखाता रहेगा। भाई मुक्त अल्लाह बोल आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये साल चुनावी साल था और चुनावी साल में भी करोड़ों दर्शकों ने एक बार फिर से देश के सबसे तेज न्यूज चैनल आज तक और ग्रुप के अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे पर जताया अपना भरोसा। इसी भरोसे का ही नतीजा था कि इस साल इंदौर में आईटी अवार्ड के दौरान कई प्रतिष्ठित अवार्ड टीवी टुडे ग्रुप की झोली में आ गए। राहुल कंवल आईटी अवार्ड समारोह में बेस्ट एंकर का खिताब इंडिया टुडे टीवी के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल को मिला। इंडियन टेलीविजन एकेडमी की न्यूज़ के कैटेगरी में लगभग जितने भी अवार्ड्स थे वो सारे इंडिया टुडे ग्रुप ने जीते हैं और ये दिखाता है कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स हो या फिर पेट्रियाटिज्म हो या फिर बेस्ट न्यूज़ एंकरिंग हो, बेस्ट करंट अफेयर्स हो, बेस्ट चैनल हो, सारे के सारे अवार्ड्स या इंडिया टुडे जीत रहा है या आज तक जीत रहा है। कॉम्पिटिशन हम लोगों का आपस में ही है कि आज तक ज़्यादा अवार्ड लेता है या इंडिया टुडे ज़्यादा अवार्ड लेता है, लेकिन कुल मिला के दिखाता है कि जो ग्रुप है उसकी कितनी ताकत है, उसकी कितनी शक्ति है और कितनी क्षमता है हमारे यहाँ जो टैलेंट काम करता है उनकी, कि बार बार वो इस तरह का जर्नलिज्म करें, इस तरह की स्टोरीज करें जो कि इस तरह के अवार्ड्स के लायक हैं। तो इंडियन टेलीविजन एकेडमी और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट मिनी न्यूज सीरीज का आईटी अवार्ड भी आज तक के हिस्से में ही आया। ये अवार्ड आज तक के शो जरा याद करो कुर्बानी को दिया गया, जिसे दर्शकों के सामने पेश किया एंकर श्वेता सिंह ने। ये अवार्ड मिला है इस साल इंडियन टेलीविजन अवार्ड के बेस्ट इवेंट कैटेगरी का सम्मान आज तक के स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव सलाम क्रिकेट को दिया गया। चैनल ने ये मेगा शो दुबई में किया था। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।